Hello students, today we are going to talk on teaching of English as a second language. Language in India, it explores the range of issues in terms of teaching methodologies, expectations as well as outcomes. English as a second language in subcontinent has always been associated with upward social prestige, academic pursuit and official administrative uses. Since its imposition during the British rule and its subsequent proliferation in different domains of language used by Indians, although it is not an indigenous language. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रूल जब भारत में शुरू हुआ था, तब से ही अंग्रेज़ी की ज़रूरत भारत में बहुत ज़्यादा महसूस की गई, क्योंकि उन लोगों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो रिटन वे में भी और जो ओरल वे है उसमें भी दोनों माध्यम से अंग्रेज़ी को सीखने की ज़रूरत थी. और वर्तमान समय में भी भारत को या भारत के लोगों को अंग्रेज़ी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन की बात कर लें चाहे फिर रिटन कम्युनिकेशन की हम बात करें. इट इज़ अकॉर्डेड एज एन एसोसिएट स्पेस विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, उसके साथ साथ अंग्रेज़ी को भी इतना ही महत्व दिया जाता है. इंग्लिश इज़ टॉट फ्रॉम प्राइमरी लेवल एज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1968. इंग्लिश इज़ टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज फ्रॉम द प्राइमरी लेवल with the provision of it being learnt as the first language depending on the preference of the learner. The focus here will be on the teaching of English as a second language and how the interference of the first language, that is a regional language, creates a gap between learner's thought and its expression. In English, the direct method of teaching English is effective in situations where the proficiency of language teacher is high. The pedagogical approach to the adopted must consider the ground realities of the classroom, because there are many backgrounds of students. So, a teacher should know about the diverse backgrounds of the students. After that, he can teach well to his students. Next, we have an important aspect of this topic, that is aims of teaching English as a second language in India. As the English language is getting consolidated as a global language, it is indispensable for all the countries to teach and learn English. Otherwise, it is difficult to keep pace with the development in the world. In particular, it is very essential for a multilingual and developing country like India to this global language. Hence, to make the learning effective and successful, a teacher should consider the following aims and objectives. They are to enable our students. First is, listen and understand English when someone speaks it at normal conversational speed. तो पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है बच्चों को जो लिसनिंग स्किल है
वो उनके अंदर डेवलप करना, ताकि वो सामने वाला जो कुछ टारगेट लैंग्वेज में बोल रहा है उसको वो सुन सके और समझ सके कि वह क्या बोल रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट. यूज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन. और दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा, एम जो हमारा है वो है अंग्रेजी को कम्युनिकेशन के पर्पज से बच्चों को सिखाना. रीड इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड कंटेंट. अंग्रेजी में जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ना. राइट इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन. रिटन वे में कम्युनिकेट करना बच्चों को सिखाना, कि कैसे लिखित रूप में वो दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं. एन्जॉय सिंपल पोइम्स. तो पोइम्स को एन्जॉय करवाना. डेवलप इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी रीडिंग एंड लिसनिंग. अ फुली एफिशिएंट इंग्लिश प्रोफिशिएंट स्टूडेंट इज एबल टू यूज इंग्लिश टू आस्क क्वेश्चंस, टू अंडरस्टैंड टीचर्स एंड रिगार्डिंग मटीरियल्स, टू टेस्ट आइडियाज एंड टू चैलेंज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्लासरूम. फोर लैंग्वेज स्किल्स कंट्रीब्यूट टू प्रोफिशिएंसी एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज रीडिंग. रीडिंग द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट. इन दिस डोमेन वी नीड सम स्पेसिफिकेशंस अमंग स्टूडेंट्स. दीज स्पेसिफिकेशंस आर रीड पैसेज साइलेंटली एंड फास्ट. अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. लोकेट के वर्ड्स, के फ्रेजेस एंड के सेंटेंसेस प्रेजेंट इन द पैसेज. गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन कंटेक्स्ट. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. एंड देन नेक्स्ट एम दैट इज राइटिंग. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटन टेक्स्ट विद कंटेंट एंड फॉर्मेट फुलफिलमेंट. क्लासरूम असाइनमेंट एट द एज एंड ग्रेड एप्रोप्रिएट लेवल. एंड दिस डोमेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अंडर दिस डोमेन वी नीड सम स्पेसिफिकेशंस सच एज राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस and use appropriate words, phrases and sentence patterns. Then follow a logical sequence to organize writing in paragraphs. Then avoiding unnecessary repetition. To write with correct spelling and using marks of punctuations. Its unique features. And then we have listening. Listening is very important for all the learners. The ability to understand the language of the teacher and instruction, comprehend and extract information. Under this aim, we need some specification like distinguish the characteristics of English sounds, to understand the tone of the speaker who may express feelings of politeness, fear, anger, etc. And after that we have speaking, the ability to use oral language appropriately and effectively in learning activities such as peer tutoring, collaborative learning activities and question answer session within the classroom and in social interactions with the school. In speaking, we need some specification under this domain like produce the correct sound and clusters of sounds. Then use the correct stress patterns, pauses and intonations. After that, use of appropriate words and sentences.
पैटर्न्स, सेंटेंस पैटर्न्स. सो दिस ऑल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लर्नर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू.